ये गाड़ी है ऑडी A3, ऑडी A3 3.5 TDI। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है गाइस, जैसी ये गाड़ी चलती है, चलते चलते अगर हम रोड पे खड़ी करें, जैसी ट्रैफिक हो जाए उस पर खड़ी करें, तो जैसी ब्रेक का पैडल दबा करेगा अपने आप बंद हो जाए। ऑटो स्टॉप स्टार्ट का कोई फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है इसका गियर लीवर का, ठीक है गाइस। तो हमने इसके यहाँ से पैनल निकाल रखे हैं, अब ये भी निकाल रहा हूँ मैं, इसका निकाल के इसको फिर गियर लीवर है जो इसके मेड्यूल को, इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है फिर आपको दिखाऊंगा। ये जो फॉल्ट है जो आपको मैंने डिस्प्ले पे दिखा रखा है, इसको क्लियर करके दिखाएंगे हम। तो चलिए गाइस खोलते हैं इसका लीवर और करते हैं इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट। तो खोल दी गाइस हमने इसका, ये यहाँ का ऊपर का जो पैनल होता है इसको खोल के हटा दिया साइड में, बस ऊपर खींचना होता है, लॉक लगे होते हैं इसमें, ठीक है, ये वाले लॉक होते हैं इसमें, इसको खींच के हमने साइड कर दिया। अब क्या है कि तो फाइनली गाइस मैंने पूरा इसका मेड्यूल जो होता है यहाँ पे पूरा खोल दिया है। ये होती है इसकी गियर की रॉड जो हमारे गियर बक्से में लगी रहती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाली है, वहाँ से नहीं निकाली, नहीं कि इसको मेरे को अगर गियर बॉक्स से निकालनी होती तो गाइस मेरे को पूरा ये सारा कुछ डाउन करना पड़ता है, उसके बाद निकलता, ठीक है। तो मैंने ये डाउन नहीं करा, मैंने ऊपर के ये चार पेच खोल के, यहाँ से 10 के ये बोल्ट खोल के मैंने इजिली निकाल लिया, ठीक है। और पेच खोलने पड़ते हैं उसके बाद निकलता है ये। तो ये यहाँ से ये गियर की तार हटा के मैंने वो मेड्यूल बाहर निकाल लिया है, उसके लिए मेरे को ये सारी फिटिंग खोलनी पड़ती है। ये देख लो, अगर आपको खोलना पड़े तो ये सारी फिटिंग खोलनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंसोल वंसोल सब हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये मेड्यूल निकलेगा। ये सारी इसकी वायरिंग रहेगी अपनी, ये वायरिंग भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, पूरा कंसोल खोलना पड़ेगा। तो अब मैं मेड्यूल दिखाता हूँ, इसका मेड्यूल ऑफिस में रख रखा है, ये रहेगा इसका मेड्यूल, ठीक है। जब भी हमारा ये वाला कॉर्ड आए और ये क्रस्टोमीटर पर आपको ये वाला फॉल्ट दिखे तो फिर आपको ये मेड्यूल चेंज करना है, गियर लीवर, ठीक है। ये अपना रहेगा गियर लीवर का पार्ट नंबर, हमने ऑर्डर कर दिया, आ रहा होगा। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, इसको पूरा खोल के मैंने चेक कर लिया था सली से, तो इसकी जो मदरबोर्ड है उसमें दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो जब हम उसको गाड़ी में से ये चार पेज खोल के बाहर निकाल ले तो हमको ये पेज खोलने पड़ेंगे, ठीक है गाइस, सारे पेज खोलने पड़ेंगे। उसके बाद ये खुलेगा, खुलने के बाद इसमें लगी रहती है हमारी तार, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये सेकेंड हैंड हम लाए हैं अपना गियर लीवर, ठीक है, गाड़ी में से निकाल के अब इसको फिट कर रहे हैं। फाइनली गाइस हमने ये मेड्यूल लगा दिया इसका, ठीक है, गियर लीवर अपना पूरा लगा दिया। अब जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो स्कैनिंग करके, फॉल्ट कोड तो नहीं आया, अब गाड़ी की पूरी फिटिंग करते हैं, ये सारा कुछ लगा देते हैं इसका, ठीक है। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट कर दी हमने, ठीक है, और सारे फिटिंग भी कर दी पूरी हमने प्रॉपर, बाहर रोड पे टेस्ट ड्राइव के लिए भी लिया है। तो इसका जो फॉल्ट कोड आ रहा था और मीटर में जो आपने देखी थी लाइट बनी आती थी वो भी अभी नहीं आ रही। अब एक बार स्कैन कर लेते हैं हम इस गाड़ी को पूरी, ठीक है। स्कैन करने के बाद वो देखते हैं जो फॉल्ट कोड बन रहा था पहले, वो फॉल्ट कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक कर लेते हैं। इसकी हेल्थ रिपोर्ट ही ले लेते गाइस, ठीक है। अपना गियर के रिलेटेड जो था वो चीज़ चली गई है, ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल में। अब गाड़ी चला लेते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम थी गाड़ी बंद हो जाती थी और फिर स्टार्ट नहीं होती थी, स्टार्ट करनी पड़ती थी, वो वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइनली गाइस हमारी गाड़ी एकदम ओके हो गई है, ठीक है, ये गियर लीवर हमने चेंज करा इसका। अब क्लस्टोमीटर में कोई भी वाला इंडिकेशन नहीं आ रहा, ठीक है, बस ये कॉइल की लाइट ब्लिंक कर रही है, उसका अलग मैटर है, लेकिन गाड़ी में कोई पिकअप डाउन नहीं है। तो हमारी गाड़ी हो गई ओके गियर लीवर के मामले में, जो गाड़ी बंद होती थी वो भी ठीक हो गई, और मीटर में लाइट इंडिकेशन आता था वो भी चलेगा। तो आशा करता हूँ आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।